सच्चा आदमी अपनी सच्चाई की बदौलत उस दर्जे को पहुंचता है कि झूठा अपने हीले के जरिए उस तक नहीं पहुंचता। आलिम इल्म के तुफैल मुअम्मर शख्स अपनी पीरी के बाईस नेकी करने वाला अपनी नेकी की बदौलत और बादशाह अपनी सल्तनत की वजह से इज्जत व अकराम के काबिल है। हर एक आदमी का कलाम उसकी अक्ल को जाहिर करता है। आदमियों के दर्जे इल्म और अक्ल के मुताबिक होते हैं, ना माल से और ना ही नसब से। यकीन को शक और गलबा को हवा व हवस बिगाड़ देते हैं। लालच परहेजगारी को और बदकारी तकवा को खराब कर देती है। गुनाह का इकरार करने से इस कदर गुनाह माफ़ होते हैं कि अजर करने से इतने माफ़ नहीं होते। नेक लोगों की भाई बंदी हर कोई गनीमत समझता और बुरे और बदकारों की सोहबत से हर कोई परहेज करता है। लोगों पर आसानी करो और तंगी ना करो और तकफीफ से पेश आओ और बोझ ना डालो। जो शख्स लोगों से गलत मलत रखता है उसको कभी बुरे साथियों का साथ मिलता है और कभी दुश्मनों के साथ साबिका पड़ता है। इस्लाम ईमान का, ईमान यकीन का, इल्म अमल का, सखी साइल का और ईमान अखलास का मोहताज है। मोमिन तकलीफ़ों से इस तरह जांचा जाता है कि जैसा खरा सोना आग से। इल्म हलम का और हलम गुस्से को पी जाने का मोहताज है और आदमी की कदर उसके इल्म और अक्ल से मालूम होती है। आदमी का इम्तिहान उसके फेल और काम से होता है, ना उसकी ज़बानी बातों से। तेरे हासिदों की तरफ से तुझे ये बात खुश करती है कि वो तेरी खुशी से नाखुश होता है। तकदीर इलाही आदमी की तदबीर पर गालिब आ जाती है और उसकी तदबीर ऐसी उलट पड़ती है कि वो उसी में हलाक हो जाता है।